Good morning class, we'll start in a minute. Like I am asking the other class students to join this link only, okay? म्यूट कर लें प्लीज, तो सार प्लीज म्यूट कर लें बेटा। Class waiting for the J section to join. Okay, due to some reason they are not got this particular link. Either you have to join the other link or they have to join the other link. So I requested them to join this link. So once they all join, then we'll start. बेटा अंकित आपने ज्वाइन कर लिया है? अगर मैं लाइक इफ आई एम ऑडिबल टू यू,
Ankit from J section, I am looking at. Good morning, sir. Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you, Ankit. So, like everyone from the J section is allowed to join. So, like I have to take the attendance manually, okay? So, what I request you, J section, all the J section students, can you please give me your roll call, okay? I am opening a notepad, I am opening a word pad and sharing. So you can give your roll call if you are present instead of Word. It's better if I open an Excel. Ritu, if possible, you can keep your mic on mute. Okay. चले भैया है ना सेक्शन जे आई होप एवरीवन हैज जॉइंड सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा सेक्शन जे से ओके गाइस सेक्शन जे लाइक कैन यू गिव मी योर रोल कॉल भैया आपको अपना अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा भैया है ना सर 7 सर रोल नंबर 6 ओके 7 ये मेरे को प्रेजेंट क्यों नहीं लिखने दे रहा नहीं लिखता हूँ चलो 7 6 यस सर 10 10 सर 18 14 18 14 स्क्रीन देखते रहिएगा भैया सर 5 18 सर 20 21 9 Sir 2 2 Sir 29 there's something on the chat 19 that window 31 section 19 J. Section J I am taking attendance of section J only agar yahan pe koi bhi section F ka hai to unki automatic attendance lag jayegi bhaiya please hai na Sir 31 section J 31 section J 19 Sir 11 section J. 11. Sir 11. Yeah. Sir 15 section J tha bhai wo. हाँ 15 आ गया ना भैया 15 सेक्शन जे है ना दो बार रोल नंबर आ गया देखो दो बार मत बोलो है ना ये सेक्शन जे के ही मुझे चाहिए हैं देखो सिंपल सी बात है व्हाई आई नीड दिस अटेंडेंस क्योंकि ऑटोमेटेड मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती बिकॉज़ दिस लाइक आई हैव टू टेक टू लेक्चर एट द सेम टाइम फ्रॉम टू डिफरेंट Zoom ID एंड दैट कैन नॉट बी पॉसिबल ना 22 हां जी 22 सर 22 ऐसा लग रहा है मुझे सभी प्रेजेंट हो जाएंगे सर रोल नंबर 1 अभिषेक कुमार सिंह रोल नंबर 1 डन ठीक है किसी ने मुझे चैट विंडो पे भेजा था रोल नंबर 5 ओमपाल ने भेज दिया था वो तो सेक्शन एफ भैया सेक्शन एफ जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज योर अटेंडेंस नॉट नीडेड है ना आपकी अटेंडेंस अभी नहीं चाहिए सिर्फ चाहिए मुझे सेक्शन जे की आशीष शर्मा अभी आपने मैसेज किया कौन से सेक्शन से आप रोल नंबर 8 यस सर ये सेक्शन से जे सेक्शन से हैं यस सर ओके बेटा चले होप सो आप लोगों की जो जे सेक्शन है जे सेक्शन आप लोगों को दोबारा एक और मीटिंग लिंक वहीं मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पे उसी से ज्वाइन करना है दोबारा भी ठीक है
चलें, रोल नंबर एट भी मैंने लिख लिया है सेक्शन जे का, रोल नंबर थ्री भी आ गया है भैया, ठीक है। आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं अगर माइक के थ्रू आपका वो नहीं हो रहा है तो, है ना, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, स्क्रीन शेयरिंग है। अभी तो ये एक प्रॉब्लम हुई, अभी एक और प्रॉब्लम से मुझे सॉल्व करना है कि इफ आई वांट टू मार्क योर अटेंडेंस मैनुअली, इफ आई वांट टू मार्क योर अटेंडेंस मैनुअली देन आई हैव टू डू वन मोर थिंग, आई हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट स्टार्ट योर क्लास। देखो भैया मैं थोड़ी देर में ब्लॉक कर दूंगा सारे पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करने से, है ना, ठीक। इफ आई अगेन गॉट एनी नॉइज फ्रॉम द चैनल लाइक आई हैव टू स्टार्ट द क्लास दैट क्लास आल्सो सो दैट लेक्चर विल बी मैप्ड एंड आई कैन मॉडिफाई द अटेंडेंस, ओके। सो गिव मी सम टाइम। चलिए गाइस, टिल द टाइम आई एम लॉगिंग ऑन दैट क्लास, प्लीज चेक द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस फर्स्ट लैब। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड एज वेल एज राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक बिकॉज यू हैव टू सबमिट अ PDF ऑफ ऑल दिस एक्सपेरिमेंट विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सर रोल नंबर 13 मिस हो गया था सर। कौन से सेक्शन का? सर सेक्शन जी।
ओके बेटा अभी लिख लूंगा है ना। ओके सर अभी लिख लूंगा है ना, ये क्वेश्चन पढ़ लो अभी लिख लूंगा, ठीक है। ओके श्योर सर। ओके बेटा हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको पीडीएफ सेंड करनी है? अभी कुछ भी सेंड नहीं करना है, एंड ऑफ द डे मतलब जो 4-5 लैब मैप होंगी यस सर, उसके एंड ऑफ द डे में बताऊंगा कि वो पीडीएफ मेरे पास कैसे आएगी, ठीक है। ओके सर। ठीक, और उसी फॉर्मेट के थ्रू मुझसे शेयर करनी है, ठीक। So that will be considered as your online practical, means data structure practical lab record submission, okay? Okay sir. Okay, so everyone has to submit a PDF और PDF का naming convention भी आएगा। ये experiment number 1 रहेगा, नाम रहेगा array processing और objective रहेगा write a program to print all the duplicate elements present in the given array, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा सेट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैंने वन और लिख लिया है, मोर देन वन ऑकरेंस भी हुए तो एक ही बार प्रिंट होगा, ठीक है। Recording in progress. Okay guys, most of you have think about ki how to process on this particular thing, how to process on this particular ki bhaiya humko sirf duplicate element print karne hain, duplicate element print karne hain, okay. There are different ways, I am not going to write the complete code, okay. You have to write the exact code. चले भैया है ना, हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं इसके लिए, नॉट इंटरेस्टेड विद द अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, नो इश्यूज विद दिस। लैब वन कौन कौन सा सेक्शन है मेरे पास, जे एफ एंड जे, ठीक है भैया। चले लेट्स सी, एक जावा क्लास बना लेते भैया, उसको एक्सपेरिमेंट फोल्डर में रख देंगे, एक्सपेरिमेंट वन पैकेज में रख देंगे और क्लास का नाम लिखेंगे एरे
प्रोसेसिंग, ठीक है भैया। और इसमें काम क्या करना है हमको, हमको काम क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। हमें ये काम करना है भैया, इस एरे को प्रोसेस करना है, इस एरे को प्रोसेस करना है, ठीक है। ओके चलें, सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। अभी आधे बच्चे उस वाले क्लासरूम में ज्वाइन करके बैठे हैं। भैया गणेंद्र, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो क्या तुम? पता नहीं क्यों वो वाली क्लास ज्वाइन करके बैठे हैं। बेटा आपने ये क्लास ज्वाइन की और आप ऑडियो पे रिस्पांस भी नहीं कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज रितेश कुमार एंड गणेंद्र, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द अटेंडेंस। चलो भैया क्या करना है हमको, डुप्लीकेट एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो फॉर द सेम हम एक मेथड बना लेंगे, फॉर द सेम हम एक पब्लिक मेथड बना लेंगे, पब्लिक वॉइड प्रिंट डुप्लीकेट, और ये एक्सेप्ट करेगा एक इंटीजर एरे, ठीक है भैया। ये एक इंटीजर एरे एक्सेप्ट करेगा। अब मुझे क्या करना है, इस इंटीजर एरे के डुप्लीकेट एलिमेंट्स को प्रिंट कर देना है ना, इस इंटीजर एरे के डुप्लीकेट एलिमेंट्स को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। ओके सो क्या करूं, क्या पहला एलिमेंट डुप्लीकेट होगा? गारंटी नहीं है। जो भी एलिमेंट डुप्लीकेट होगा उसके सारे ऑकरेंस मुझे पता चल जाएंगे, ओके, और मुझे उसको एक बार प्रिंट करना है। अगर वो मोर देन वन टाइम भी है तो मुझे क्या करना है, एक बार प्रिंट करना है। सो व्हाट शुड आई डू, चले कोशिश करते हैं ना, कोशिश करते हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कौन रिजेक्ट कर देता है? चले जावा में हमको एक कलेक्शन मिलता है सेट, जावा में हमको क्या मिलता है, कलेक्शन मिलता है सेट। तो हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ना, हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर टाइप, सेट ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम इसको सेट वन बोल देते हैं ना, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सेट वन। और ये सेट इंटरफेस है बेटा, सेट इंटरफेस है, तो हम उसके लिए क्या बना रहे हैं, एक हैसेट क्लास, जो उसका कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है उसका ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। व्हेनेवर आई ट्राई टू ऐड अ वैल्यू इन अ सेट एंड इफ दैट वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेट, इफ दैट वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेट, तो क्या होगा एट दैट टाइम, क्या होने वाला है, मेरे को एड नहीं करने दिया जाएगा सेट में, ठीक है, एड नहीं करने दिया जाएगा सेट में उस वैल्यू को, ओके। तो ये जो मेरा सेट वन है इसके पास सिर्फ यूनिक वैल्यू आ जाएंगी, इसके पास क्या आ जाएंगी, सिर्फ यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी, ओके ठीक। तो ये यूनिक वैल्यूज आ चुकी रहेंगी मेरे पास इस सेट वन में, ना ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, कीपिंग ऑल द यूनिक नहीं बोलता हूं, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज को मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, डुप्लीकेट वैल्यूज को मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं। चाहूं तो डुप्लीकेट वैल्यू को डिस्कार्ड कर सकता हूं यहां पे, चाहूं तो यूनिक वैल्यू को ही ऐड करूं जो इनका डुप्लीकेट ऑकरेंस नहीं है, लेकिन वन पहली बार ऐड हो जाएगा, दूसरी बार ऐड नहीं होगा, ठीक। कीपिंग ऑल दी वैल्यूज विथ keeping all the values from the given array, keeping their single occurrence, है ना, ठीक। occurrence, R-E-N-C-E, और कुछ होगा क्या, चलो यही बता देगा, है ना, ठीक।
चले हम सिंगल ऑकरेंस उसका हमको कीप करना है, ओके चले भैया, तो हम सिंगल ऑकरेंस इसमें कीप कर लेंगे। हम एक और सेट बना रहे हैं ना, हम एक और सेट बना रहे हैं, इंटीजर का ही बना रहे हैं, हम एक इंटीजर का ही बना रहे हैं, हम इसको बोलते हैं प्रिंटेड। जो वैल्यू हम प्रिंट कर चुके हैं उनका सेट बनाएंगे, जो वैल्यू हम प्रिंट कर चुके हैं उनका सेट बनाएंगे, ओके। उनका सेट क्यों बना रहे हैं हम, हमको कारण क्या पता चला, अगर एक बार प्रिंट हो गई है तो दोबारा प्रिंट ना हो, एक बार प्रिंट हो गई है तो दोबारा प्रिंट ना हो, ठीक है ओके। एक बार अगर वैल्यू प्रिंट हो गई है तो दोबारा प्रिंट ना हो, ठीक। वी आर बिल्डिंग एन अप्रोच, वी आर बिल्डिंग एन अप्रोच, एक अप्रोच हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ओके। भैया एक मिनट और देना है कि ये भैया हमारे रितेश भैया ने तो ऑडियो ज्वाइन किया नहीं है, तो इनको तो रिमूव कर दें क्लास से। चलें घनेंद्र मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर आ रही है। तुम दोनों जगह ज्वाइन हो गए घनेंद्र? चलो ठीक है घनेंद्र, अगर तुमने जो स्क्रीन शेयरिंग वाली मीटिंग चल रही है अगर उसको स्टार्ट करके रखा है तो आई हैव नो इश्यूज, ओके एक बार कंफर्म कर दो बस। चलो यार छोड़ो, कोई टेंशन नहीं है। चलें भैया, एक हमने बना लिया सेट वन, एक हमने बना लिया प्रिंटेड, एक हमने बना लिया सेट वन, एक बना लिया हमने प्रिंटेड। यहाँ क्या करेंगे, कीपिंग ऑल द प्रिंटेड वैल्यूज, ओके जिन वैल्यूज को हम प्रिंट कर चुके हैं उनको रख लेंगे यहाँ पे, ठीक ओके चलें। अब क्या करेंगे, एरे पे ट्रेवर्स करना चालू करते हैं, ARR पे एक फॉर आई लगाते हैं और ट्रेवर्स करना चालू करते हैं, ARR पे एक फॉर आई लगाते हैं और ट्रेवर्स करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, सेट क्या करेंगे, बूलियन रिजल्ट इक्वल्स टू सेट वन डॉट एड, ठीक है, और यहां भेज देंगे ARRI। सेट में पहला एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, एडिंग एन एलिमेंट इन सेट, ओके। अब क्या सेट का एड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है ये देख लेते हैं, क्या है भैया, बूलियन है, ठीक है ओके। करता क्या है भैया, ये एड द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू दिस सेट इफ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इफ द सेट इज ऑलरेडी कंटेन दैट एलिमेंट द कॉल लीव्स द सेट अनचेंज्ड एंड रिटर्न फॉल्स, मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा वो एलिमेंट, और नहीं इसका ट्रू, एडिंग एन एलिमेंट इन सेट वन, ठीक है, सेट वन में डाल दिया। फिर क्या करेंगे, इफ इफ रिजल्ट, अगर हमको यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट मिल गया, मतलब क्या हो गया, नॉट फॉल्स मिला है ना, इफ रिजल्ट नॉट रिजल्ट, अगर रिजल्ट फॉल्स आता है, ट्रू आ रहा है तो हमको कुछ नहीं करना है, अगर फॉल्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंटेड डॉट एड ARR आई, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, उस एलिमेंट को जिसके लिए ऐड नहीं हुआ सेट वन में, उसको हमने प्रिंटेड सेट में ऐड कर दिया, उनको उसको हमने क्या किया, प्रिंटेड सेट में ऐड कर दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, और एक और चीज करेंगे, जो एलिमेंट ऐड हो जाएगा प्रिंटेड वाले में उसको प्रिंट करके देखते हैं ना, उसके बूलियन रिजल्ट तो करने नहीं देगा वो हमको, है ना। यहाँ पे भी हम बूलियन ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक बूलियन ले लेते हैं, रिजल्ट टू, ठीक है, और यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर रिजल्ट टू ट्रू है, अगर रिजल्ट टू ट्रू है ना, तो हम क्या करते हैं,
एस आउट कर दें, हम एस आउट कर दें किसको, ए आर आर आई को एस आउट करा दें, ठीक है ओके। चलें ये हो गया हमारा छोटा सा कोड, ये और ऑप्टिमाइज हो सकता है। अभी हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हमको यहाँ से तो दिख रही है कि ओ ऑफ एन है, ठीक है, एरे के एलिमेंट है, एन टाइम्स तो हमको ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन सेट का जो एड मेथड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, एक एड चल रहा है उसके अंदर दूसरा एड चलेगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमको चेक करनी पड़ेगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमको चेक करनी पड़ेगी। चले इस मेथड को हम कॉल करके देखते हैं, बाय क्रिएटिंग एन मेन मेथड, बाय क्रिएटिंग एन मेन मेथड इंट एरे बना लें एक, और एरे को वैल्यू देनी है भैया, एरे को वैल्यू देनी है, एरे को वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमको 189 हमको प्रिंट चाहिए, देन क्या होता है, प्रिंट होता है कि नहीं। चलिए ये तो मिल गई मेरी एरे, एरे मिल गई तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, एरे मिलने के बाद द फर्स्ट थिंग आई विल डू, आई विल प्रिंट दिस एरे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग arr, ठीक है भैया ये कर लिया। नाउ आई नीड एरे प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट, आई नीड एरे प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट टू कॉल द बिलो फंक्शन, सो मैंने एरे प्रोसेसिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है ओके। ओबीजे डॉट प्रिंट डुप्लीकेट कॉल किया और एरे पास कर दी, लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं, लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं, देर आर चांसेस कि हमको जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो ना मिले, देर आर चांसेस कि कोई एक्सेप्शन आ जाए, ठीक। लेट्स सी, कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है, लेट वेट फॉर इट ओके। 189, तो भैया ये हमारा कोड चल गया है, ये हमारा कोड क्या हुआ है, चल गया है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको बताएं, प्लीज भैया कोई बता देगी व्हाट यू हैव टू डू, यू नाउ यू हैव टू, नाउ यू हैव टू do one thing, what, that is you have to write this code and keep this code on PDF, question ye raha, theek okay, you will understand the essence, theek hai, aapko ek essence pata chal gaya ki kya hai iska, theek hai na, yes sir, and now you have to perform, now you have to perform this thing okay, you have to perform and submit that pdf at the end of the all labs, sari labs ke baad kaise wo pdf upload karni hai, I will guide you okay, how you are going to send that pdf to me, theek hai beta, main aapko bata dunga ki kaise aap usko pdf mere paas tak bhejenge, okay sir, ठीक है। तो राइट नाउ हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे 11 बजे, हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे 11 बजे, उसको भी ज्वाइन करना है, जे सेक्शन हम आपको मीटिंग लिंक भेजेंगे, हम आपको मीटिंग लिंक भेजेंगे, ठीक है ओके सर, है ना, फिर से जैसा अभी व्हाट्सएप ग्रुप भेजा, हाँ जी बेटा, कोड दिखाना होता तो स्क्रीन पे कोड रहता, क्वेश्चन नहीं रहता, एडिटर खोल लिएगा ना एक बार, नहीं एडिटर दिखाना ही तो नहीं है, नहीं तो तुम क्या करोगे, ओके सर, है ना, इसलिए नहीं दिखाना, इसलिए तो एग्जीक्यूट होने, एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर मैं एडिटर पे रहता, ओके चले गाइस, अभी मैं एंड कर रहा हूँ सेशन, विल सी यू एट 11, है ना, 11 जे सेक्शन, आपको मीटिंग लिंक उससे पहले ही भेज दूंगा मैं आपको, जो मीटिंग आईडी है ना, मीटिंग आईडी आपको अभी ही भेज दूंगा, उससे ज्वाइन करना है 11 बजे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू एट 11।